हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ देखी थी, जो कि हमने उसके बेसिस पर एग्जांपल भी बड़े अच्छे से देख लिए थे और आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप कि आपने वो पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया हो। नहीं किया होगा तो कर दो, क्योंकि चांसेस है कि वहां से एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो वो कंप्लीट आप कर देना। आज के लेक्चर में हम और भी नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके पास ये है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी। ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, इन दोनों का प्लस करके बाद में ये एक्स में से माइनस करना है। पिछली वाली जो प्रॉपर्टी थी वहां पे जीरो और a था, तो a माइनस एक्स करते थे। यहां पर a b माइनस एक्स करना है, अपर और लोअर दोनों को ऐड करो, बाद में माइनस एक्स करो इंटू डी एक्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी है। पहले इसको प्रूफ कैसे करना है वो देख लो। कंसीडर आर एच एस, आर एच एस, हम आर एच एस को कंसीडर करेंगे। ए टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो पिछली जैसी प्रॉपर्टी है ना, वैसे ही सेम है, बस यहाँ पे आपको ये पुट करना पड़ेगा। सो क्या पुट किया था पिछली प्रॉपर्टी में, a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। यहाँ पे क्या पुट करोगे, पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। ओके, सो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट With respect to x, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। माइनस एक्स, दैट इज द माइनस वन, इक्वल्स टू dt by dx। सो ये dx मल्टीप्लाई करो, सो माइनस dx इक्वल्स टू dt, सो dx इक्वल्स टू माइनस का dt, dx इक्वल्स टू माइनस का dt। ओके, सो when x tends to a, ऐसा लिखना चाहिए था, x tends to a, then t tends to क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर x की वैल्यू a पुट अप करो, सो a plus b माइनस a इक्वल्स टू t, दिस गेट कैंसल, सो t tends to क्या मिलेगा b मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए कि x tends to b when x tends to b t tends to, अगर x tends to b है तो जहाँ x से वहाँ पर b पुट अप करो, a plus b minus b equals to t, this get cancel, so t tends to a। सो हमारी लिमिट थी a to b, तो वो क्या किसमें चेंज हो गई, b to a में चेंज हो गई। ओके, सो इसको लिख दोगे कि I इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम B टू A। ओके, सो B टू A F ऑफ A प्लस B माइनस X, इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हो, T लिखने वाले हो। ओके, इंटू dx से dx की जगह पे क्या लिखोगे, dx की जगह पे माइनस dt, सो माइनस का dt। ओके, ये माइनस बाहर निकाल लो, सो माइनस बार आ गया बी टू ए एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सो एक प्रॉपर्टी हमें पता है, यहाँ पे बी टू ए है, हमें क्या चाहिए, ए टू बी चाहिए। सो ये अगर लिमिट इंटरचेंज करते हो तो माइनस हट जाएगा, सो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंस बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो भैया, कौन सी प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यही वाली प्रॉपर्टी थी। ओके, अब टी था, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो चेंज कर लो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, सिंस बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी f of x into dx equals to integral from a to b f of t into dt, f of t into dt। okay, so ये तो आ गया, ये क्या था हमारा LHS, ये क्या था LHS,
सो देयर फोर इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स. ओके, सो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे फिनिश होती है. बड़े ही अच्छी प्रॉपर्टी नहीं और सिंपल भी है, एग्जाम में आ गया तो डायरेक्टली 3 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे फ्री के, जो कि फ्री के मार्क्स है. ओके, सो आप ये नोट डाउन कर लो. इसके बेसिस पर हम अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या है एग्जाम्पल हमारे पास, मार्कर दूसरी ले लेता हूं, एक मिनट वेट कर लो. ओके, सो लेट लेट आई इक्वल्स टू 3 to 8, इंटीग्रल फ्रॉम 3 to 8, 11 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते थे. ओके, अभी इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता इसका, तो अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. सो बाय प्रॉपर्टी क्या थी हमारी प्रॉपर्टी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ, जहां एक्स है वहां पे क्या लिखोगे, a plus b minus x इंटू डी एक्स, यही थी प्रॉपर्टी. ओके, सो क्या मिल जाएगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 3 to 8 इलेवन माइनस, जहां पे x है वहां पे चेंज हो रहा है, वहां पे चेंज हो रहा है, सो क्या होगा, 3 plus 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. समझ में आया कैसे किया, ये माइनस बाहर था, एक्स बाद में था, तो एक्स की जगह पे हमने ये लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन किया, माइनस एक्स अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर. सो एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, सो 3 plus 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा. ओके, बीच में प्लस लगा दोगे इन ब्रैकेट, 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, 3 plus 8 माइनस एक्स इनका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इनका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिया. अब इसको सॉल्व कर लो भैया, आई इक्वल्स टू 3 to 8 11 माइनस, ये आएगा 3 plus 8 11 माइनस एक्स, इसका क्या है, होल स्क्वायर है. ओके, अपॉन 3 plus 8 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 1 माइनस, ये 3 plus 8 कितना, ये 11 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, 11 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके, उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप तो आ ही जाएगा ना. सो आई इक्वल्स टू 3 to 8 ये ब्रैकेट को खोल दो, सो 11 माइनस 11 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा. ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 11 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यही आया. सो यहां पर जो है ना, 1 माइनस 11 नहीं, यहाँ पे करेक्शन कर लो बच्चों, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, किताब में करेक्शन कर लो. सो जहां जहां 1 था वहां हम 11 कर देंगे, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, नहीं तो ये तो सॉल्व नहीं होने वाला. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 3 to 8, करेक्शन आपने कर लिया होगा, 11, सो 11 गेट अभी कैंसल हो जाएगा. ओके, सो हमें क्या मिल रहा है, 11 गेट कैंसल, एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2. ओके, ये कैंसल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा. सो adding 1 and 2, सो ये मिलेगा ट्वाइस आई इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 3 to 8 x square plus 1 minus x square, 1 नहीं, यहाँ पे 11 होना चाहिए था, 11 minus x square,
सो दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस सेम है इसलिए इनका क्या होगा, ऊपर का एडिशन होगा। सो ऊपर में क्या है, 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके सो दिस गेट कैंसल, सो ट्वाइस आई इक्वल्स टू 3 to 8 इंटू डी एक्स। ओके सो ये मिलेगा ट्वाइस आई इक्वल्स टू एक्स 3 to 8 3 to 8। ओके सो ट्वाइस आई इक्वल्स टू 8 minus 3, सो ट्वाइस आई इक्वल्स टू 5, सो आई इक्वल्स टू कितना मिला भैया, 5/2 मिला, कितना मिला 5/2। सो देयरफॉर इंटीग्रल फ्रॉम 3 to 8 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 5/2 इक्वल्स टू कितना मिला 5/2। ओके सो बड़ा ही इजी सा एग्जांपल था, बट इसमें करेक्शन आप लोग कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट में भी लिख लो। ओके सो चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके तो ये वाला एग्जाम्पल देख लो, क्या है एग्जाम्पल, इंटीग्रल फ्रॉम 5/6 टू 5/3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके सो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 5/6 टू 5/3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सो बाय प्रॉपर्टी, अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या आता है बच्चों, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही थी हमारी प्रॉपर्टी। ओके सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दो, सो आई इक्वल्स टू 5/6 टू 5/3 साइन स्क्वायर 5/6 प्लस 5/3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो आई इक्वल्स टू 5/6 5/3 साइन स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये 3 pi plus 6 pi upon 18 आएगा माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके सो विच इज आई इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 5/6 टू 5/3 साइन स्क्वायर, ये 6 और 3 9 हो जाएंगे, 9 pi/18 है, सो ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2 तो डायरेक्ट लिख दू 5/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 5/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो साइन 5/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 5/6 टू 5/3 साइन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। ओके सो ये रहा हमारे पास साइन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको सेकंड दे दो। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट हमें क्या मिलेगा, I कितना होगा, ये 2i होगा इक्वल्स टू 5/6 टू 5/3। ओके सो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/6 टू 5/3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो 2i इक्वल्स टू 5/6 5/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सो ये तो बड़ी ही प्रचलित प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है भैया, बोल दो ना जरा कितना आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू डी एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका आएगा एक्स और ये 5/6 टू 5/3। ओके सो ये मिल जाएगा 2i इक्वल्स टू 5/3 माइनस 5/6, पहले अपर लिमिट पुटअप किया बाद में लोअर लिमिट, सो 2i इक्वल्स टू 6 pi माइनस 3 pi अपॉन 18, सो 2i इक्वल्स टू 3 pi अपॉन 18। ओके
ये कितना मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 2i इक्वल्स टू पाई बाय 6, पाई बाय 6, सो i इक्वल्स टू पाई बाय 12, कितना मिला i इक्वल्स टू पाई बाय 12, सो देयरफॉर इंटीग्रल फॉर्म पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स इक्वल्स टू पाई बाय 12 इक्वल्स टू पाई बाय 12, ओके ओके। तो ये वाला एग्जांपल देख लो, लेट i इक्वल्स टू 0 टू पाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, ओके। सो 0 टू पाई है तो जहां जहां x है वहां पाई माइनस एक्स, वो वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। सो बाय प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू डीएक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू डीएक्स, a माइनस x इंटू डीएक्स यही आता है, ओके। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे a माइनस x आता है, यहाँ पर पाई है, सो क्या आएगा, पाई माइनस x इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस x इंटू डीएक्स, साइन स्क्वायर पाई माइनस x इंटू डीएक्स, ओके। सो विच इज इक्वल्स टू 0 टू पाई पाई माइनस x साइन स्क्वायर पाई माइनस x, ये क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर x होता है, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, इंटू डी एक्स, ओके। सो ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 0 टू पाई पाई इंटू साइन एक्स आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ओके, बीच में माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, हमने कुछ नहीं किया है, बस ये मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को सेपरेट कर दिया, ओके। सो अब यहां पे देख पा रहे हो कि ये पाई तो कांस्टेंट है, पाई इंटीग्रल के बाहर निकाल लो, सो पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो इसकी वैल्यू क्या है, आई है, तो माइनस आई कहां से आया, फ्रॉम 1, कहां से आया, फ्रॉम 1, ये आई इस साइड भेज दो, तो पहले ही यहां आई मौजूद है, तो आई प्लस आई कितना आ जाएगा, 2i, अरे भाई उस साइड माइनस है, इस साइड भेज दोगे तो 2i आ जाएगा, सो 2i पाई इंटू 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके। अब 2i equals to pi 0 to pi, what is the formula of sine square theta, what is the formula of sine square theta, 1 minus cos 2 theta, यही formula होता है, 1 minus cos 2 theta, so 2 sine square theta, यही इसका formula होता है, तो ये 2 यहाँ पे लगा देना पड़ेगा, so sine square theta का formula क्या बना, 1 minus cos 2 theta by 2, okay, so 1 minus cos 2x upon 2 into dx, okay, so इसे मिटा देता हूँ, so 2i equals to pi in a bracket integral from 0 to pi, ये 1 by 2 into dx आ जाएगा, separate कर दिया हमने, minus 0 to pi cos 2x by 2 into dx आ जाएगा, इतनी बात समझ रहे हो, okay, so 2i equals to pi in a bracket 1 by 2 बाहर आ जाएगा, ओके, इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ये कितना आएगा, dx आएगा, माइनस dx माइनस 1 by 2 बाहर ला लो, 0 टू पाई यहां पे क्या लिखोगे, cos 2x into dx, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, ओके, सो 2i equals to ये 1 by 2, ये 1 by 2 बाहर आ जाएगा, सो पाई बाय 2 लिख दू, पाई बाय 2 लिख दिया, ओके, सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, x बीच में माइनस, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, और ये 2x बचता है, इसका डेरिवेटिव हम नीचे लिखते हैं,
तो डेट इज द टू, और लिमिट क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन लगा दी है ना, तो लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है 0 टू पाई, लिमिट कितना है 0 टू पाई, ओके। सो ये आ जाएगा i इक्वल्स टू, ये 2 यहां भेज दो, पाई बाय 4, पाई बाय 4 पहले अपर लिमिट पुट अप कर दो, पाई माइनस साइन, पाई माइनस साइन 2 पाई बाय 2, बीच में माइनस आएगा, पाई माइनस साइन 2 पाई बाय 2 बीच में माइनस, ये 0 माइनस साइन 0 बाय 2, साइन 0 बाय 2, तो ये कितना आएगा बच्चों, कैलकुलेट कर दो। सो ये आएगा i इक्वल्स टू पाई बाय 4, i इक्वल्स टू पाई बाय 4 इन अ ब्रैकेट पाई माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई, साइन पाई 2 पाई कितना होता है, ये 0 मिल जाएगा, माइनस 0 और ये प्लस, यहां पे क्या मिलेगा, साइन 0 0 ही होता है। सो हमें क्या मिला बच्चों, i इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4, i इक्वल्स टू कितना मिला, पाई स्क्वायर बाय 4। So therefore, integral from 0 to pi sin square x into, यहाँ पे x into sin square x into dx equals to मिला pi square by 4, equals to कितना मिला, pi square by 4, okay। So कुछ इसी तरह के भी example मिलेंगे जिनको आप आसानी से solve करते हो। चलिए next देख लेते हैं, okay। तो next 6 property ये देख लो, 0 to 2a, integral from 0 to 2a, f of x into dx, इसको कैसे लिखा है इन्होंने, 0 to a, f of x into dx, lower limit देखो, 0, 0, 0, तीनों जगह पर 0 है, upper limit यहाँ पे 2a था, तो lower, यहाँ पे upper limit 2a था, तो यहाँ पे aa, मतलब दोनों का distribution हो गया, एक integral में क्या लिखोगे, 0 to a, f of x into dx, plus, दूसरे में क्या लिखोगे, 0 to a f of upper limit minus x into dx, जो upper limit था 2a minus x into dx, इसके basis पर problem देखेंगे, तब आपको बड़े अच्छे से clear होगा, फिलहाल इसका proof देख लेते हैं, okay। So consider RHS, consider RHS, RHS equals to 0 to a f of x into dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x इनटू dx, ओके, व्हिच इज इक्वल्स टू, इसको मैं नाम दे दूं i1 और इसको नाम दे दूं मैं i2, ओके। i1 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, i1 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, i2 को सॉल्व कर देते हैं, ओके। सो i2 कंसीडर i2 is equals to integral from 0 to a f of 2a minus x into dx। अब क्या करोगे, पुट करना पड़ेगा, क्या पुट कर लोगे, पुट 2a minus x equals to t, पुट 2a minus x equals to t, so differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, so क्या मिलेगा यहाँ पर, minus 1 equals to dt by dx, so ये dx यहाँ पे आ जाएगा, minus dx equals to dt, so dx equals to कितना मिलेगा, minus dt, dx equals to कितना मिला, minus dt। अब next, so ये वाले सारे changes इसमें हो जाएंगे, so i2 equals to, अच्छा लिमिट रह गई ना हमारी, ओके। सो व्हेन x equals to 0, व्हेन x is equals to the 0, जब x equals to 0 है, देन t equals to कितना होगा बच्चों, 0 पुट अप करो x की जगह पे, सो t equals to कितना होगा, t is equals to twice a, t is equals to twice a, ओके। एंड व्हेन x equals to a, then when x equals to a, अगर x की वैल्यू a है, तो t equals to कितना मिला, 2a minus a, so a मिल जाएगा, so t equals to कितना मिलेगा, a मिलेगा, okay। So जो लिमिट हमारी 0 to a थी, वो क्या किसमें चेंज हो जाएगी, 2a to a में चेंज हो जाएगी, so i2 is equals to integral, लिमिट लगा दो, कितना है, 2a to a, 0 टू a था, तो 2a टू a, ओके। अंदर का क्या चेंज होगा, f ऑफ
टू ए माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखोगे टी एफ ऑफ टी इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे माइनस डी टी, माइनस डी टी। ओके सो विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर ला लेते हैं, सो टू ए टू ए एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ओके उसके बाद अच्छा देख पा रहे हो कि ये माइनस है, माइनस हटाना है तो ये लिमिट चेंज कर देते हैं, लिमिट चेंज कर देंगे तो माइनस हट जाएगा। ओके सो विच इज इक्वल्स टू ए टू ट्वाइस ए एफ ऑफ टी इंटू डी टी, कहा से लिखा है बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी थी भैया a to b f of x into dx equals to minus b to a f of x into dx, यही प्रॉपर्टी थी। ओके सो f of t dt है, x में चाहिए क्योंकि हमारा i1 जो है वो x में है, तो x में कर लो कोई बड़ी बात नहीं है। a to 2a f of x into dx, ओके सो बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, एफ ऑफ टी इंटू डी टी ये आ गया। ओके सो ये क्या है हमारे पास आई टू है, ये क्या है आई टू है। सो इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट, इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट दैट इज द आर एच एस equals to I1 plus I2 है, तो I1 आपके पास क्या है 0 to A f of x into dx, okay? बीच में plus है I2, इस I2 की value आपने ये निकाली है, तो A to 2A f of x into dx, A to 2A f of x into dx। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, यहां पे मैं लिख दूं कि बाय प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी थी कि ये जो देख पा रहे हो, यहां पर मैं दूसरी मार्कर ले लेता हूं, यहां पर ए है, यहां पर ए है, ये 0 टू 2a और ये a इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 0 टू 2a a इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, सो कौन सी प्रॉपर्टी थी a टू b f ऑफ x इंटू dx, इसको क्या लिख सकते हो a टू c, वेरी गुड, f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस c टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स वेर c इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, ये जो c है ना, ये c ये अपर और लोअर के बीच में आना चाहिए था। ओके सो ये आर एच एस पार्ट देखो, ए टू सी, सी टू बी, तो सी सी कैंसिल करने पर यही मिल रहा है ए टू बी एफ ऑफ एक्स, सो ये ए ए कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा हमें, इधर मिलेगा हमें विच इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा हमें इंटीग्रल ए टू, ए ए कैंसिल कर दिया, ए सॉरी ए नहीं है ना, जीरो टू टू ए, जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स which is equals to LHS, which is equals to LHS, आ गया, बड़ा ही important सा ये proof है, exam के लिए 4 marks के लिए directly पूछा जाता है, so है ये 4 mark के लायक नहीं है ना, okay, फिर भी आता है exam में आपको pass करवाने के लिए, तो last में लिख लोगे ending में, ये वाला ही लिख लेना और ऐसा उसको बक्से के अंदर बंद कर लेना ताकि वो भाग ना जाए कहीं आपके दिमाग से, इसलिए उसको बक्से में बंद कर लेना। ओके चलिए इसके बेसिस पर ही हम कुछ एग्जांपल देख लेते ताकि ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी क्लियर हो जाए। ओके ओके तो ये लास्ट प्रॉब्लम देख लेते उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। सो लेट लेट ये कौन सी मार्कर आ गई भैया, लेट विच इज इक्वल्स टू लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई cos square x into dx, cos square x into dx, okay, so इसमें pi minus x लगा के ये करके वो करके ऐसा नहीं करेंगे, अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी ना वो हम देखते हैं, so 0 to इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into pi by 2, यू लिख दिया इसको, okay, so ये a था, इसको हमने 2a by 2 ऐसा लिख दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, जो पाई था तो इसको हमने 2
पाई बाय टू, ये टू टू गेट कैंसिल तो पाई मिलेगा, तो हमने इसको बस ऐसा लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो बाय प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी थी, बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, यही प्रॉपर्टी थी हमारी। ओके, सो 0 टू 2a, 0 टू 2 इंटू पाई बाय 2, 2 इंटू a था, सो 2 इंटू पाई बाय 2a, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं। सो i इक्वल्स टू बराबर लगा दो 0 टू a, a क्या है यहाँ पर पाई बाय 2, सो 0 टू पाई बाय 2 f ऑफ x मतलब cos स्क्वायर x, सो cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स इतना आ गया। ओके, प्लस प्लस इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू ए, ए की जगह पे क्या है पाई बाय टू, सो पाई बाय टू एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, जहां पर एक्स है वहां पर टू ए माइनस एक्स लिख रहे हो, तो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर जहां पर एक्स है तो क्या लिखोगे टू पाई बाय टू माइनस एक्स लिखोगे, बराबर है ना, टू ए माइनस एक्स लिख रहे हो, सो टू इंटू ए, ए क्या है यहां पर पाई बाय टू है ना, अरे भाई ये पूरा का पूरा क्या है यहाँ पर a है, पूरा का पूरा क्या है a है, सो 2 पाई बाय 2 माइनस x इंटू डी एक्स। ओके, सो इसको सॉल्व कर दो। ओके, सो i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाय 2, ये 2 टू गेट कैंसिल तो क्या मिलेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये टू और ये टू गेट कैंसल, सो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉस पाई माइनस एक्स ये होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स। ओके, बट कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स ये क्या होगा माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स, so which is equals to 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 cos square x into dx plus 0 to pi by 2, इसकी वैल्यू क्या आई अभी अभी निकाली थी cos square x into dx। okay, so ये भी cos square x, ये भी cos square x, तो 2 0 to pi by 2 cos square x into dx आ जाएगा, पक्की बात है। okay, अब कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है वन प्लस कॉस टू थीटा, ये फार्मूला क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा यही इसका फार्मूला होता है। सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू इक्वल्स टू क्या क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो पुटअप कर दो, सो टू इंटू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। सो टू, ये टू बाहर आ जाएगा। ओके, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू वन प्लस कॉस टू, यहाँ पे थीटा नहीं ना, यहाँ पे एक्स, एक्स इसे मिटा दू। ओके, एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो टू टू गेट कैंसल, टू टू गेट कैंसल हो जाएगा यहाँ पर। ओके, टू टू गेट कैंसल हो जाएगा, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, कॉस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x बाय 2 और लिमिट लगा दो 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, तो लिमिट पुट अप कर दो पाई बाय 2 प्लस साइन 2 पाई बाय 2 बाय 2 माइनस 0 माइनस 0, क्योंकि साइन 0 कितना आ गया 0 ही आने वाला है, सो पाई बाय 2 प्लस साइन टू, टू टू गेट कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा पाई बाय टू, सो विच इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, साइन पाई की वैल्यू जीरो, सो जीरो बाय कितना मिलेगा जीरो ही मिलेगा, सो विच इज आई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा पाई बाय टू, आई इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा पाई बाय टू मिल जाएगा। सो इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों पाई बाय टू मिलेगा, इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा पाई बाय टू। ओके, तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों, तो जितने भी हमने प्रॉपर्टी देखी वो प्रॉपर्टी आप लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लो और एक्सरसाइज में जाओ, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आप सॉल्व कर देना।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी प्रॉपर्टी देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।